एनालॉग में आज हमारा जो टॉपिक होगा फीडबैक टॉपोलॉजी। हमने पिछले क्लासेस में आपको पूरा एम्पलीफायर डिस्कस कर लिया था, वोल्टेज एम्पलीफायर, चार प्रकार के बेसिक एम्पलीफायर बताया था। उसी के बिहार पे हम लोग टॉपोलॉजी को भी समझेंगे। चार प्रकार का आपके पास जो है फिलहाल एम्पलीफायर था, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर और आपके पास था ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ये चार प्रकार का एम्पलीफायर हमने देखा था और उसके बारे में हमने डिटेल समझा था कि किस एम्पलीफायर का इनपुट एम्पिडेंस कैसा, रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें। अब यहाँ पे जो हम टोपोलॉजीज यूज़ करते हैं, फोर बेसिक टोपोलॉजी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे चार प्रकार की, देयर इज़ अ फोर टाइप ऑफ आप कह सकते हैं टोपोलॉजी। सबसे पहली टोपोलॉजी जो आपकी है वो है सीरीज शंट टोपोलॉजी। इस सीरीज शंट को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं? वोल्टेज एम्पलीफायर। ध्यान दीजिए, इसी को हम और कह सकते हैं संट सीरीज, उल्टा भी लिखते हैं इसको कहीं कहीं, सीरीज संट। और दूसरा बोलते हैं संट, हम एकदम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा रहे हैं चीज़ों को, संट सीरीज अर्थात करंट एम्पलीफायर। ये दो नाम है टोपोलॉजीज प्लस नाम। तीसरा देखिए, तीसरा आपका क्या आएगा भाई? शंट शंट, शंट शंट टोपोलॉजी। शंट शंट कौन सा होगा भाई? शंट शंट ट्रांस कंडक्टेंस। आउटपुट से करंट को हमें सैंपल करना है ट्रांस कंडक्टेंस में, और इनपुट में हमें क्या कर देना है? वोल्टेज देना है। तो ट्रांस कंडक्टेंस शंट शंट के लिए हम लोग, यहाँ हमारा कौन सा होगा? ट्रांस रेजिस्टेंस होगा ना, ट्रांस रेजिस्टेंस। आउटपुट का वोल्टेज ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, और सीरीज 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 इसको बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। देखिए, इसमें हम लोग एक एक करके हम लोग डिटेल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये चार प्रकार के आपके पास जो है टोपोलॉजीज हम लोग यूज़ करते हैं, सीरीज संट, ठीक है ना, संट सीरीज, संट संट और सीरीज सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग लेकर के चलते हैं सीरीज संट टोपोलॉजी कैसा होता है, ये हम लोग देखते हैं सीरीज संट टोपोलॉजी। सीरीज संट टोपोलॉजी, यहाँ पे एक आपके पास एम्पलीफायर होगा, इस एम्पलीफायर के पास एक लोड लगा होगा। यहाँ लोड से हमें क्या करना होगा? यहाँ फीडबैक नेटवर्क होगा। लोड से हमें क्या करना है? वोल्टेज सैंपल करना है। क्या सैंपल करना है? हमने लोड से क्या सैंपल किया? वोल्टेज, ठीक है ना, हमने वोल्टेज सैंपल किया। यहाँ पे आ रहा है लोड रेजिस्टेंस, और जब वोल्टेज सैंपल करेंगे तो इनपुट में कैसे देंगे? इनपुट में हम सीरीज में देंगे। इनपुट में कैसे देंगे? सीरीज में देंगे। तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एक मेन एम्पलीफायर। क्या है? मेन एम्पलीफायर है ये, उसके साथ है फीडबैक नेटवर्क, फीडबैक नेटवर्क। आपको पॉइंट क्या समझना है कि यहाँ से आपने सैंपल किया आउटपुट वोल्टेज को, और यहाँ आपने फीडबैक वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि हमारा निगेटिव फीडबैक है, हमारा निगेटिव फीडबैक है, तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि हमने पिछली क्लासेस में आपको यहाँ पे बता रखा था कि एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर का जो गेन होता है, गेन गेन विदाउट फीडबैक, गेन विदाउट फीडबैक, हमने उसको ए माना था, ठीक है ना।
गेन विथ फीडबैक, गेन विथ फीडबैक उसको हमने क्या बोला था, AF, और हमने क्या बोला था फीडबैक फ्रैक्शन क्या था, फीडबैक फ्रैक्शन इसको हम क्या बोले थे, बीटा। तो हमने पाया था कि अगर हम लोग, ये आपका सीरीज संट टोपोलॉजी जो है ये एक प्रकार का कौन सा एम्पलीफायर है, वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर। और अगर वोल्टेज एम्पलीफायर का गेन, ध्यान से समझिएगा, वोल्टेज एम्पलीफायर का गेन A इज इक्वल टू वी जीरो अपान क्या था, वी इन, ये कैसा गेन था, विदाउट फीडबैक गेन था, कैसा गेन, विदाउट फीडबैक। अगर हमें विथ फीडबैक देखना है तो हम इसको लिखते थे A एफ बी, क्या लिखते थे, एफ बी लिखें या सिर्फ एफ लिख दें, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखते थे ए अपान वन प्लस ए बीटा, मतलब निगेटिव फीडबैक लगाने पर, ये कौन सा फीडबैक लगाया गया है, निगेटिव फीडबैक। हमने बोला था यहाँ हम टोटली निगेटिव फीडबैक के बारे में ही बात करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक के बारे में सिर्फ ऑसिलेटर में बात किया जाता है। तो निगेटिव फीडबैक लगाते ही हमारा एम्पलीफायर का गेन क्या हो गया, कम हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ये हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर है तो वोल्टेज एम्पलीफायर में कल वाली क्लास में जिसमें हमने बताया था आपको कि वोल्टेज एक अच्छा गुड एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए इनपुट एम्पिडेंस क्या होना चाहिए, वेरी हाई इनपुट एम्पिडेंस क्या होना चाहिए। तो हम अगर बात करेंगे इनपुट एम्पिडेंस इसकी या इनपुट रेजिस्टेंस की हम बात करें, इनपुट जो रेजिस्टेंस होना चाहिए एक वोल्टेज एम्पलीफायर का जिसको हम लोग बोलेंगे आर आई, ये होगा, ये आर आई जो होगा ये विदाउट फीडबैक होगा, ये क्या होगा, विदाउट फीडबैक, ये आर आई विदाउट फीडबैक है, ठीक है ना, इनपुट रेजिस्टेंस। और हम मान लेते हैं आर आई एफ विथ फीडबैक, क्या, विथ फीडबैक। तो यहाँ पे आर आई एफ की जो वैल्यू होगी बच्चों फीडबैक लगाते ही, वो हो जाएगा वन प्लस ए बीटा आर आई, मतलब हम फीडबैक का प्रयोग जब करते हैं तो इनपुट एम्पिडेंस, इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ समझ में आ रहा है ना, कितना इंक्रीज हो जाता है, वन प्लस ए बीटा टाइम, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस कितना है। हम इसको प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, इसका डेरिवेशन होता है कैसे ये इंक्रीज हो रहा है, तो हम प्रूफ पे नहीं जा रहे, सीधे आप पॉइंट याद रखो कि एक वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे फीडबैक लगाएंगे तो हम ऐसा लगाएंगे कि यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस हो वो इंक्रीज हो जाए, कितना, वन प्लस ए बीटा टाइम, तो इनपुट रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा हाई। सिमिलरली अगर हम बात करें आउटपुट रेजिस्टेंस की, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आउटपुट रेजिस्टेंस आर जीरो एफ होता है आर जीरो अपान वन प्लस ए बीटा, मतलब यहाँ आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आर जीरो जो है आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक, आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक, और आर जीरो एफ आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक, विथ फीडबैक, ठीक है ना, ये हो गया। अर्थात आपको एक सीरीज संट टोपोलॉजी में कितनी बातें याद रखनी है, किसका जो गेन होता है अर्थात वोल्टेज एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो वन प्लस ए बीटा टाइम रिड्यूस हो जाता है, इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वन प्लस ए बीटा टाइम बढ़ जाता है, आउटपुट रेजिस्टेंस वन प्लस ए बीटा टाइम घट जाता है, ये कंप्लीट इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये कौन सा एम्पलीफायर है, ये वोल्टेज एम्पलीफायर है, कौन सी टोपोलॉजी है, सीरीज संट टोपोलॉजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग अगले पे आएंगे, अगला हमारा जो टोपोलॉजी होगा हम सीधे यहाँ पे लिखते चलेंगे सबका, दूसरी टोपोलॉजी हम लोग लेंगे शंट सीरीज टोपोलॉजी, शंट सीरीज
प्रॉपर आपको दिख रहा है, हर जगह से समझ आ रहा है। संट सीरीज टोपोलॉजी में ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हम फिगर बनाएंगे, चूंकि ये आपका ठीक है ना, ये हो गया संट सीरीज, मतलब इनपुट यहाँ पे आपका संट में है, यहाँ हम करंट देंगे, करंट एम्पलीफायर है, यहाँ आरएस होगा, यहाँ आरएल होगा, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज सैंपल होगा, ये हमारा एम्पलीफायर है, ये फीडबैक फीडबैक नेटवर्क है। अब ध्यान दीजिएगा, जिधर जिधर हमारा ये फीडबैक नेटवर्क संट में लगेगा उधर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हो जाएगा आर आई अपान वन प्लस ए बीटा, और आर जीरो एफ क्या हो जाएगा वन प्लस ए बीटा आर जीरो, ठीक है ना। इसका जो करंट गेन होगा तो ए आई एफ जो आपका होगा ए अपान वन प्लस ए बीटा, मतलब गेन हमेशा इतना ही घटेगा, और यहाँ पे ए आई की वैल्यू होती है आई जीरो अपान आई इन, ये करंट गेन होता है, ठीक है। और बीटा इज इक्वल टू होता है आई एफ अपान आई जीरो, मतलब आई एफ यहाँ पे करंट आ रही है, आई एफ करंट यहाँ पे इधर से रिटर्न आ रही है, आई एफ इधर से हम आई जीरो करंट लेकर आ रहे हैं, क्या आई जीरो करेंट। तो फीडबैक फ्रैक्शन हमेशा फीडबैक करेंट अपान टोटल आउटपुट करेंट, समझ रहे हैं बात को। तो ये टोटल हमारा हो गया संट टोपोलॉजी। संट टोपोलॉजी में क्या देखने को मिल रहा है, इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, किस फैक्टर से, वन प्लस ए बीटा टाइम से, वन प्लस ए बीटा टाइम से। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ आ रहा है। अगला हम लोग आते हैं सीरीज सीरीज टोपोलॉजी। सीरीज सीरीज टोपोलॉजी कौन सी होती है, ट्रांसकंडक्टेंस, ठीक है ना, मिटा दें इसको, हाँ नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये आपका जो है ये वोल्टेज बेसिक वोल्टेज एम्पलीफायर था, ये बेसिक करंट एम्पलीफायर था। अब अगर हम बात करेंगे अगली टोपोलॉजी की, तो हम लोग शंट शंट टोपोलॉजी लेकर के चलते हैं, इसी में हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। शंट शंट मतलब इसको हम बोलेंगे ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। यहाँ पे दोनों तरफ जो कनेक्शन होगा वो शंट में होगा, कैसा होगा, शंट में होगा। तो देखिएगा कैसा कनेक्शन होगा, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे शंट कनेक्शन करना है, रेजिस्टेंस को यहाँ पे उठा के पैरलर में जोड़ देना है आर एस, यहाँ आपका करंट सोर्स हो जाएगा आई एस, और ऑलरेडी वहाँ पे शंट कनेक्शन है फीडबैक नेटवर्क, यहाँ पे आपका आई एफ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये सारे गेन वगैरह अगर देखा जाए, ठीक है, चूंकि ये क्या है हमारा ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, तो आउटपुट साइड का वोल्टेज सैंपल करेंगे, आउटपुट साइड का वोल्टेज इनपुट पे करंट फीड करेंगे, इनपुट पे करंट फीड करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो गेन आता है वो हमने पढ़ा है आर एम इज इक्वल टू वी जीरो अपान आई इन, ठीक है ना। मतलब इसका जो आपका रजिस्टेंस होना चाहिए वो इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक जो होना चाहिए वो आपका इनपुट अपान वन प्लस ए बीटा, मतलब लो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लो। और अगर हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करेंगे विथ फीडबैक तो ये भी क्या होना चाहिए, वन प्लस ए बीटा, अर्थात लो होना चाहिए।
मतलब निगेटिव फीडबैक लगाने पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। विदाउट फीडबैक आपको पता है RI और R0 था इनपुट आउटपुट, ठीक है। और जैसे ही हम फीडबैक लगाएंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को लिख रहे हैं, ठीक है ना, हमने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख रखा है। तो अगर हमारे पास ये ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है, ट्रांस रेजिस्टेंस या वोल्टेज एम्पलीफायर नहीं, इसको ट्रांस रेजिस्टेंस आप बोलेंगे, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर अगर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, सीरीज कर देंगे तो ये कौन सा एम्पलीफायर बन जाएगा, ट्रांस कंडक्टेंस, है ना, सीरीज बताइएगा, ये ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है ना, सीरीज है। तो आप देखिएगा ध्यान से, हमारा इनपुट साइड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इनपुट साइड हम चेंज करेंगे, कैसे होगा भाई, ये वाला हटा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ VS हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से करंट हटाइए और वोल्टेज को लाइए, यहाँ से सैंपल करंट करेंगे लेकिन यहाँ फीडबैक में क्या देंगे, वोल्टेज देंगे, यहाँ RS। अब जब यहाँ दोनों तरफ सीरीज है तो यहाँ दोनों तरफ क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होगा ही होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना, सॉरी घट जाएगा, आपका सीरीज है ना, बढ़ जाएगा, सीरीज में लगा है तो सब बढ़ जाएगा, मतलब RIF तो 1+A β टाइम क्या हो जाएगा, RI, और यहाँ R0F 1+A β टाइम R0, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, इनपुट इनका और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज हो जाएगा सीरीज टोपोलॉजी, मतलब ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर के केस में, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर के केस में। तो ये आपका ट्रांस रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका ट्रांस कंडक्टेंस हो गया, दोनों को आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इस पूरे की समरी बना देते हैं, पूरे चैप्टर की समरी, कहानी ख़त्म कर देते हैं, बस एक टेबल में है, इसको आप लिख लीजिए पहले। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर होता है इसकी जो बीटा होती है वैल्यू, इसकी बीटा वैल्यू अगर आप देखेंगे कभी भी तो बीटा क्या मिलता है, IF अपान V0 मिलता है, मतलब ये बीटा जी, मतलब ये कंडक्टेंस को एक तरीके से शो करता है, ठीक है। और अगर इसके बीटा की वैल्यू आप देखेंगे तो बीटा की वैल्यू यहाँ जेड इम्पिडेंस मिलेगा, VF अपान क्या, I0। तो ये बीटा फ्रैक्शन जब इसका हम लोग निकालते हैं तो इसका नेचर रजिस्टिव होता है और इसका नेचर क्या होता है, आपका कंडक्टिंग होता है, मतलब कंडक्टेंस की तरीके से इसका नेचर होता है। अब ऑल ओवर जितना अभी तक हमने एम्पलीफायर पढ़ा, एम्पलीफायर का गेन, इनपुट एम्पिडेंस, आउटपुट एम्पिडेंस, सोर्स सिग्नल क्या होगा, ये सारी बातें हम समरी में बनाते हैं, एक जो है हम लोग टेबल तैयार करते हैं, समझने का प्रयास करिए इसको पूरा, है ना। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आप फीडबैक एम्पलीफायर, पहला पॉइंट, इसको टेबल कितना लंबा होगा मैं बताता हूँ, सबसे पहले हेडिंग होगी आपकी फीडबैक एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर पहला पॉइंट, दूसरा होगा सोर्स सिग्नल, तीसरा होगा आउटपुट सिग्नल, चौथा होगा आपका गेन, पांचवा होगा इनपुट रेजिस्टेंस आर इन, आउटपुट रेजिस्टेंस आर जीरो। इतना बड़ा टेबल आपको बनाना है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ, क्या ये सब आपको दिख रहा है ना पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉपर दिख रहा है,
यहाँ पे हम सबसे पहले बोलेंगे, पहला टोपोलॉजी लेंगे सीरीज शंट। सीरीज शंट इसको क्या बोला जाता है? वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है ना। तो सोर्स सिग्नल क्या होगा? वोल्टेज। सोर्स सिग्नल क्या होता है? मतलब जो हम अप्लाई करते हो, कौन सा सिग्नल होता है? आउटपुट सिग्नल, आउटपुट भी वोल्टेज। इसका गेन क्या होता है विथ फीडबैक? तो होता है ए एफ इज इक्वल टू ए अपान वन प्लस ए बीटा, होता है ना। इनपुट रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज हो जाता है, तो इनपुट रेजिस्टेंस आर आई एफ जो होता है वन प्लस ए बीटा टाइम क्या होता है? आर आई होता है। और आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, तो हो जाता है आर जीरो अपान वन प्लस ए बीटा, होता है, कोई दिक्कत? दूसरी टोपोलॉजी पे आते हैं हम लोग, शंट सीरीज। शंट सीरीज इसको हम क्या बोलते हैं? करंट एम्पलीफायर। इनपुट क्या होगा? आउटपुट भी। यहाँ पे आपका करंट गेन होगा विथ फीडबैक ए आई अपान वन प्लस ए आई बीटा, होगा ना। तो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? इनपुट रेजिस्टेंस आर आई अपान वन प्लस ए बीटा, मतलब ये रिड्यूस होगा ना, इनपुट रेजिस्टेंस लो होगा। और आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक वन प्लस ए बीटा आर जीरो, होगा ना, ए बीटा टाइम्स आपका हो जाएगा। तीसरा हम ले रहे हैं संट शंट, इसको बोलते हैं ट्रांस रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। शंट शंट को क्या बोलेंगे? ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। इनपुट में क्या होगा? करंट। आउटपुट में क्या होगा? गेन कैसा होगा इसका? ध्यान दीजिएगा, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है, तो हम यहाँ ए जेड एफ कह दें इज इक्वल टू, या ए आर एफ कह दें, जो आपको समझ में आए। हम यहाँ लिखेंगे रेजिस्टेंस है ए जेड अपान वन प्लस ए जेड बीटा, बीटा इसमें जी होता है, बीटा जी होता है, हमने बताया था ना। जब हम इसमें बात करेंगे ट्रांस रेजिस्टेंस में, तो बीटा कंडक्टेंस की वैल्यू शो करेगा, ठीक है ना, आपको मैंने अभी बताया है। तो इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, आर आई एफ वन प्लस ए बीटा, और आर जीरो एफ आर जीरो अपान वन प्लस ए बीटा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। चौथा देखिए, सीरीज सीरीज ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका इनपुट सिग्नल होगा वो होगा वोल्टेज, आउटपुट सिग्नल करंट, और यहाँ होगा ए जी एफ, मतलब ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर का गेन ए जी अपान वन प्लस ए जी बीटा जेड होगा। यहाँ क्या होगा? बीटा। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो यहाँ पर भी ये ए जेड दिखा सकते हैं, ऐसे ए जेड और बी जी, ए जेड बी जी, ताकि क्लियर रहे। तो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस हमारा जो होगा वो होगा वन प्लस ए जी बी जेड ए जी, और यहाँ हम आउटपुट क्या दिखाएंगे विथ फीडबैक वन प्लस
ए जी बीटा जेड, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा कौन सा होगा, इनपुट ये फीडबैक, ये रेजिस्टेंस हमारा होगा आउटपुट। ठीक है, ये पूरी समरी है, ये पूरी क्या है, समरी है। आप चाहें तो सिर्फ इसको समझ के, इसको नोट डाउन करके आप पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, किसका, फीडबैक एम्पलीफायर का। ठीक है, मतलब आपको क्या दिख रहा है, देखिए भाई सबसे पहले आपको हाई लो दिखा, लो हाई दिखा, लो लो दिखा और हाई हाई दिखा। ठीक है ना, यही हमारे चारों टोपोलॉजी हैं और इसमें जब भी पूछता है तो यही पूछता है इसका कारण क्या था, ये सब मैंने आपको बता दिया, ये आपका कंप्लीट समरी हो गया। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑसिलेटर की तरफ मूव करेंगे, जो लास्ट टॉपिक आपका बीजेटी से रिलेटेड होगा, ऑसिलेटर अच्छे से डील करेंगे, फिर आ जाएंगे एनालॉग का मॉस्फेट वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।